अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हम आज का अपना नया वीलॉग। सो आज हम लोग का प्लान था बार अफ्तार करने का, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हवेली जाएंगे। सो अभी हम हवेली की तरफ ही थे, हम लोग अफ्तार से कुछ टाइम पहले ही निकले थे, तकरीबन 6:15 का टाइम था, तो हमें काफ़ी रास्ते में ट्रैफिक मिला। बहरहाल लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करके हम टाइम पर पहुँच गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर। बस रोज़ा खुलने ही वाला था, हम इतनी तेज़ भागे जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाए के अंदर, फिल्म के अंदर काजल शाहरुख खान के पीछे भागती ट्रेन के अंदर, लेकिन प्रोग्राम तो बढ़ चुका था। फाइनली हम हवेली पहुंच गए हैं एक बहुत जद्दोजहद के बाद। बहुत ट्रैफिक था मेरा हम लोग को रास्ते में। हवेली का बाहर से व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है और देख के अच्छा लगता है। अभी हम सामने देखें मज़ेदार की पिक्चर नज़र आ रही होगी आपको, अभी आपको इंशाल्लाह सीन बताएंगे आगे कि हमें इन दी एंड मज़ेदार ही जाना पड़ा। सही है, तो हवेली का आप देख सकते हैं ये बाहर से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अभी अंदर भी दिखाएंगे आपको और रिव्यू देंगे कि जगह जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये अंदर वाला हिस्सा है हवेली का और हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया। रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, चेयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियर थी, यानी कि आपको बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था, मतलब सेटिंग के लिहाज से एरिया कम था और लोग ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड इन लोगों ने किया हुआ था चेयर्स के हिसाब से। तो बहरहाल हम लोग हवेली से उठ के हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ पे अफ्तारी नहीं करनी। हम लोग उठ के सामने मज़ेदार वाली साइड पर आ गए, लेकिन अफ्तारी का टाइम बिल्कुल नियर था और मज़ेदार हवेली में बिल्कुल भी जगह नहीं थी हमारी सेटिंग के लिए। तो हम लोगों ने बाहर बैठ के ही क्या कहते हैं वेट किया। आप समझ लोगे लोग बाहर क्यों बैठे हुए, लेकिन रीज़न ये था बाहर बैठने का कि हम लोग को अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी। तो हमने बराबर से बर्गर क्लॉक से बहुत ही मज़ेदार पेरी बाइट्स मंगवाई। वाह, खा के तो एक मज़ा ही अलग आ गया था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया था। सही, और बहुत बेहतरीन टेस्ट था। उसके बाद हमारा फिर नंबर आया और हम मज़ेदार हलीम में चले गए। अच्छा, मज़ेदार भी एक कराची का बहुत ही मशहूर नाम है, इनका खाना बहुत ही बेहतरीन होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे हमने, भी बिरयानी मंगवाई थी, साथ में नान था इसके, और हमने ये सीख कबाब मंगाए थे। फ्राइज़ बहुत बहुत बेहतरीन क्वालिटी के थे इनके, और साथ में दो सीख कबाब थे, पराठा मंगाया था हम लोगों ने, इसके साथ में ड्रिंक्स थी और हमने टिक्का भी मंगवाया था। तो बहरहाल हम लोग को मज़ेदार में बहुत मज़ा आया खाना खाने का, बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। रिकमेंड करूँगा हवेली से बेहतर अगर आप जाएँ तो मज़ेदार ही जाएँ। सही, उसके बाद हमने खूब इंजॉय किया। अच्छा, सच बताना है तुम्हें, भूख लग रही है ना, देख के लग रही है ना, देखो भूख लग रही है, मान लो यार भूख तो लग रही है, मज़ा तो आ रहा है, दिल तो कर रहा है जाने का ना। वाह क्या बेहतरीन, तभी हम इसको खोलेंगे ना, उफ मज़ा आ जाएगा आपको, देखिएगा ये भाई, जल्दी खोलो यार, क्या कर रही हो आगे, रोज तो देर से खुला है, भूख लग रही है यार। ओ हो बेहतरीन, इसके ऊपर सॉस लगा के, ओ माय गॉड, मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल, गार्डन गार्डन पर। इनकी वी बिरयानी बहुत टेस्टी है, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इनका हलीम भी टेस्टी था, हालांकि मज़ेदार हलीम नाम है और हलीम तो उनका ऐसी बात है टेस्टी होता है, प्लस इनके और भी आइटम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। अच्छा, मैं एंड में सबसे पहले आप सबका थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि नज़र आ रहा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, क्योंकि व्यूज़ जो है सब बता देते हैं कि आपको कितना सराहा जा रहा है, कितना लाइक किया जा रहा है। सो अगेन आपको थैंक यू सो मच, और आप इस बस मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी बात है, इसमें एक एफर्ट लगती है, एक मेहनत लगती है, जो हर एक नया यूट्यूबर भी कर रहा है, एक पुराना यूट्यूबर भी कर रहा है, हर बंदा एक एफर्ट कर रहा होता है। सो वो आपसे सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा होता है कि आप उसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। आपकी एक लाइक बटन से हमें हिम्मत मिलती है कि हम एक नई वीडियो बनाएं, क्योंकि देखिए अंदाज़ा हो जाता है आप लोग कॉन्टेंट देखना चाह रहे हो, जब भी हमारे 1000 तक के व्यूज आ रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ना, तो यानी कि आप कॉन्टेंट को लाइक कर रहे हो, कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा एफर्ट मिल रही है कि हम और वीडियोज़ बनाएँ, तो हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम भी यही करते हैं, इवन कोई भी यूट्यूबर अगर काम कर रहे हैं, कोई भी लोग अगर काम कर रहे हैं, नॉट इवन यूट्यूब ना, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हैं, उसको हम लाजमी अप्रिशिएट करें, लाजमी अप्रिशिएट करें, वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए मोटिवेशन है। सही है, आप
कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपके लिए क्या है, आप हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, पैसे बढ़ते हैं, आप खुश होते हो, लेकिन वह टेम्प्रेरी होता है। लेकिन अगर आपको यही बोले बैठ कर अच्छा काम किया तो उसमें लॉन्ग टाइम तक असर होता है। इस तरीके से मैं आपका अगेन थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोग का। लेकिन मज़ीद हमें आपकी सपोर्ट की रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नीड है, सिर्फ हमें नहीं जितने भी और जो लोग हैं हमें देख रहे हैं और जिनको हम देख रहे हैं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी। आपके लिए पता है एक वीडियो, वैसे वीडियो बनाना, हम बाहर जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, कॉन्टेंट उठाते हैं, इसके अलावा कॉन्टेंट सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, तो एक जहनी एक्टिविटी भी लगती है, एक ऐड जहनी के साथ आप वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हमारी मेहनत होती है। तो मेहनत को दिल ही करते हुए अप्रिशिएट भी किया जब आप कर रहे हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का मकसद था मेरा ऐड के अंदर कि हमने पूरी जो वीडियो बनाई, हम लोग कल रेस्टोरेंट गए, हवेली, वहाँ पे क्या हुआ, हर चीज़ में आपसे शेयर की। ये कहने को लग रहा हुआ ईजी है, मैंने मोबाइल उठाया, नहीं ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही होती है। एफर्ट से मुराद मेरी एफर्ट है प्लस मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, क्योंकि पूरी एडिटिंग वो देख रही होती है, पूरी वीडियो बनाना, एडिट करना, वो करना, मुझे टाइम मिलता है, मैं तो सिर्फ आता हूँ कॉन्टेंट के अंदर, ओवर वॉइस ओवर कर लेता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ थोड़ा सी, वो चीज़ें करके मैं एफर्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन इसमें से मेरी भी एफर्ट है, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे लोगों की एफर्ट भी ज़्यादा, लाइक मेरी वाइफ की बहुत एफर्ट है, तो इट्स नॉट ईजी ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो अगेन लाइक शेयर और इसको सहलाने का नाम है, तो आप कुछ कुछ मुश्किल नहीं होता है, सब्सक्राइब का बटन दबा देने से आपके कुछ चार्जेस नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोग कंजूसी क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन इन हमारे केस में लोग कंजूसी नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर रहे हैं। पहले मेरा भी माइंड सेट था यार कि यूट्यूब के ऊपर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, वाकई में नहीं कर रहे होते, ना शेयर कर रहे होते, ना लाइक कर रहे होते, बट हमें व्यूज़ मिल रहे हैं तो हमारे काम को पसंद किया जा रहा है। तो मैं इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद हम कॉन्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि इस कॉन्टेंट बनाए, मज़ीद हम थोड़ा सा अपने मॉडल को चेंज भी करेंगे कि इसी कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट बताएंगे मैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ओके, अल्लाह हाफिज़। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा।